आपको बताएं, लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला हुआ है। वफाक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। नादरा को हमलावरों की शिनाख्त के लिए फौरी इकदाम का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब और पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पाकिस्तान हाई कमीशन को फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इकदाम का हुक्म दिया। कहा कि फुटेजेस के जरिए हमलावरों की निशानदेही की जाए। हमलावरों के खिलाफ पाकिस्तान में FIR दर्ज की जाएगी। उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मंसूख किए जाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, किसी को भी ऐसे हमलों की इजाजत नहीं दी जा सकती। लंदन मामले पर खामोश नहीं बैठ सकते। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को धमकियों का सामना था, उसकी भी तहकीकात करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इकदाम का हुक्म दिया। कहा कि फुटेजेस के जरिए हमलावरों की निशानदेही की जाए। हमलावरों के खिलाफ पाकिस्तान में FIR दर्ज की जाएगी। उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मंसूख किए जाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, किसी को भी ऐसे हमलों की इजाजत नहीं दी जा सकती। लंदन मामले पर खामोश नहीं बैठ सकते। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को धमकियों का सामना था, उसकी भी तहकीकात करेंगे।